एक और न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने वाले हो, यानी कि आप लोग को इस पोज में दो फोटो एडिटिंग करके आज के इस वीडियो में सिखाने वाले हो। एंड आप लोग को हेयर पे कैसे आप लोग को हेयर को बड़ा करना है एंड आप लोग को कट कैसे लगाना है, इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि आप लोग को कैसे एडिटिंग करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप लोग को एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ से। तो हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ से आप लोग को गैलरी को ओपन कर लेना है और आप लोग को जिस फोटो को एडिटिंग करना है उस वाले फ़ोटो को यहाँ से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। तो हम लोग इस फोटो को सेलेक्ट कर लिए हैं और इसके बाद इस फोटो को आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। यहाँ से आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है और उसके बाद यहाँ से आप लोग को चले जाना है मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ से आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और आप लोग को जिस प्रीसेट को अभी यूज करेंगे उस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से उस प्रीसेट को डाउनलोड आप लोग को कर लेना है और यूज करिएगा और आप लोग को बताएंगे कि यूज भी कैसे किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग को दिखाएंगे तो इस प्रीसेट के लिंक पे से आप लोग को बताएंगे कैसे कॉपी करके अपने फ़ोटो में। तो इसके थ्री डॉट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप लोग को जिस फ़ोटो को एडिटिंग करना है उस वाले फ़ोटो पर चले जाना, इसका भी थ्री डॉट के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है यहाँ से थ्री डॉट के और कॉपी पेस्ट कर देना है। देखिए एक क्लिक में कुछ इस टाइप से एडिटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, यानी कि पूरा लाइट आ चुका है। तो आप लोग को यहाँ से कुछ नहीं करना, शेयर कर लेना आप लोग को, यहाँ से आप लोग को शेयर कर लेना होता है स्केच बुक अप्लीकेशन में। तो यहाँ से आप लोग को स्केच बुक अप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर कर लेना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ से आप लोग का स्केच बुक में आ चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लोग को थ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से बहुत सारा आप लोग को ब्रश मिले है, लेकिन इस ब्रश को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है जिस ब्रश को मैं बता रहा हूँ और उसके बाद सेटिंग आप लोग को इतना रख लेना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्किम शॉट मार के आप लोग को रख लेना और उसके बाद आप लोग जितनी गिरी स्मूथ करिएगा उतनी गिरी करिएगा और उसके बाद यहाँ से आप लोग को फ़ोटो को जूम कर लेना है और उसके बाद यहाँ से हल्का साइज को अपने हिसाब से रख लेना है और उसके बाद आप लोग को गोल गोल करके आप लोग को फेस पे ई करना है, गोल गोल करके आप लोग को फेस पे अप्लाई करना है। देखिए फेस कैसे स्मूथ हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए फुल HD स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग को बता दिए और वीडियो में भी बता दिए आप लोग को कैसे स्मूथ करना है और इस वीडियो में भी बता दिए। तो आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग को एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे फ्रेंड्स। और आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दिए इस वीडियो में कैसे आप लोग को फेस स्मूथ एंड आप लोग को टैटू ऐड करना है, यानी कि अपने पत्ता पे। तो आप लोग को इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बता दिए, आप लोग को आराम से देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है और आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आप लोग को पूरा एडिटिंग समझ में आ जाए फ्रेंड्स। और आप लोग थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो इस टाइप से एडिटिंग नहीं कर पाइएगा और आप लोग को वो। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर लेते हैं स्पीड क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग को दिखा रहे हैं स्पीड करके, तो वीडियो को स्पीड कर लेते हैं। यहाँ से हम स्पीड कर लिए हैं, लेकिन आप लोग को आराम आराम से फेस को स्मूथ करना है तभी आप लोग का फुल HD स्मूथ होगा। तो आराम आराम से आपको करना है, ऐसे हम दिखा रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम वीडियो को स्पीड कर लिए हैं, लेकिन आप लोग को आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख के आप लोग को फेस को स्मूथ करना है। एंड तक देखते रहे वीडियो को। तो फेस स्मूथ हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देखिए कितना HD क्वालिटी में फेस स्मूथ हो चुका है। और आप लोग को दिखाएंगे कि अपने हेयर पे कैसे कट लगा सकते हैं। तो थ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस ब्रश को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है और सेटिंग इसका इतना रख लेना है आप लोग को और उसके बाद आप लोग को जूम कर लेना है फ़ोटो को और उसके बाद आप लोग को यहाँ से आप लोग को इस टाइप से चला लेना है, एक और लाइनिंग चला लेना, यानी कि आप लोग को डिजाइन दो डाल देना। उसके बाद इसको मिटाने के लिए फिर से ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करना, इस ब्रश को सेलेक्ट कर लेना और इसको छोटा या बड़ा करके यहाँ से हल्का आप लोग को छोटा करके इसको मिटा देना हल्का, ताकि लगे नहीं कि आपने इससे किया हो गया। तो देखिए कितना ख़तरनाक स्टाइल दे दिए हैं फ्रेंड्स कट आप लोग को। और यहाँ से आप लोग को फ़ोटो को शेयर कर देना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ से फ़ोटो को शेयर कर लेना है आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। टूल्स के ऑप्शन पे आप लोग को यहाँ से क्लिक करना है, टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और आप लोग को बाल को एडजस्ट यानी कि सरिया लेना है। तो यहाँ से देखिए हेयर को अपने सरिया लेना है, ऊपर ऊपर कर देना है आप लोग को। यहाँ से देखिए आप लोग को
करना होगा। अगर बाल को हल्का बड़ा करना होगा तो यहाँ से आप लोग इस ऑप्शन से आके कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो में बना रखा हूँ, वहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ भी बता दिए हैं। तो यहाँ से आप लोग को इतना करने के बाद यहाँ से डन कर देना है, और डन करने के बाद आप लोग को एड फोटो पे क्लिक करना है यहाँ से आप लोग को, और उसके बाद मॉम डैड वाला टैटू को ऐड करना है अपने पत्ता पर। तो यहाँ से आप लोग को चले जाना है इस वाले यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन, यहाँ डाउनलोड वाले में, और यहाँ से आप लोग को मॉम डैड वाला टैटू को यहाँ से, इस टैटू को आप लोग को यहाँ से मॉम डैड वाला टैटू को ले लेना है, और आप लोग को यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और स्क्रीन यानी कि ये कर देना है, और उसके बाद देखिए एडजस्ट कर देना है। कैसा लगा ये हमारा फ़ोटो एडिटिंग वीडियो, देखिए यहाँ से कितना तगड़ा फ़ोटो एडिटिंग हो चुका है फ्रेंड्स।